साथियों नमस्कार, आपके प्यारे भाई गोलू जेसीबी की आज की वीडियो मैं साथियों उन युवा भाई बहनों के लिए बनाने जा रहा हूं जो देश का बोझ अपने कंधों पर आने वाले समय में लेंगे या फिर अब सरकारी अफसर के तौर पर या कोई सामाजिक संगठन के तौर पर अब ले रहे हैं उन भाइयों और बहनों के लिए, क्योंकि देश के अंदर जितने भी कर्मचारी है, विभाग है, उनके अंदर भ्रष्टाचारी की नीम बहुत ज्यादा गहराई तक जा चुकी है। साथियों मैंने आज एक न्यूज़पेपर के अंदर देखा कि कैथल के अमरिंदर सिंह जो एसडीएम है वहां के, उन्होंने देखो ये कितनी बड़ी बात है कि जिस दिन उनके देखो उन्हें रिश्वत के तौर पर जो ओवरलोडेड वाहन होते हैं उनसे पैसा वसूली कर बहुत बड़ा प्रोपगेंडा अपनाकर, जिस तरह जैसे कि उन्होंने स्टिकरों के माध्यम से एक साजिश बनाई कि जो एक प्रत्येक ट्रक से 5,000 रुपए 6,000 रुपए लेकर और एक स्टिकर लगाते थे और वो आगे जो भी इसके विभागीय कर्मचारी होते हुए आगे चेक करते कि उसमें पता लग जाता है कि ये गाड़ी का पैसा आ चुका है गूगल पे के माध्यम से। बहुत से हथकंडे अपना रखे थे क्योंकि सभी विभाग एक से नहीं हो सकते, क्योंकि ईमानदार बतेरे हैं, एक हाथ की 500 आंगली कभी भी एक सर नहीं हो सकती, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। इनके विभागों में भी ईमानदार बतेरे, पुलिस विभागों में भी बहुत है, जो ये ड्राइवर भाई बेचारे 24 घंटे मौत के मुंह में रह गए, अपने बच्चों को हजारों किलोमीटर तक दूर छुट छुट के जाते रहते हैं और इन जैसों से ये भ्रष्ट अफसर इनका खून पसीने की कमाई इनका खून सूसते हैं। उनसे मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करना चाहता हूं और इस ट्रांसपोर्ट भाई का तो मैं बहुत तहदिल से धन्यवाद करता हूं जिसने पूरी निडरता के साथ इन जैसे भ्रष्ट अफसरों का खुलासा किया। खुलासा और भी जनता करना चाहती है बहुत से बेचारे ड्राइवर भाई, लेकिन उनकी पुग नहीं पाती क्योंकि उनके ऊपर या तो राजनीति के दबाव डाल देते हैं या फिर कोई और पुलिस प्रताड़ना हुई या और किसी भी तरह की दबाव डाल के केस वापस लेने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह के मामले जो उजागर करवा देते हैं। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार से दूर रहना, हमारा जनता या बोली वाली जनता है नहीं, यही होती है मैं तो जड़ भ्रष्टाचार फैलाने वाली, यही इन्हीं से होता है क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए हम रिश्वत देते हैं। रिश्वत देने वाला भी मुजरिम है, लेने बेचारे के बाद देने वाला भी होता है, लेकिन इन ड्राइवर भाई बेचारे क्या करें, इनकी तो मजबूरियां होती है। मान लीजिए हरियाणा का ड्राइवर राजस्थान में फंस गया तो उसको 500, 100, 200, कई बार तो मेरे पास ड्राइवर भाई आते हैं, मैं देखता हूं दुकान पे 50-50 रुपए पुलिस वाले को देने पड़ते हैं। मैंने सभी विभागों के अंदर ईमानदार लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे नहीं कि सारे भ्रष्ट, सारे तो कभी भी नहीं हो सकते इस संसार में, ईमानदार बतेरे विभागों में है, लेकिन भ्रष्टाचार की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा जा चुकी है। एक ड्राइवर भाई की मैंने वीडियो भी देखी थी, उसकी पुलिस वाले भाई की मैंने वीडियो देखी थी, उस भाई ने पुलिस वाले भाई ने इतनी प्रमुखता के साथ उस वीडियो के अंदर बताया था कि जो ये बेचारे ड्राइवर भाई है इनका जो हमारे स्टाफ के पुलिस वाले के बारे में बोल रहा था, जो लोग इनकी खून पसीने की कमाई से नोच नोच कर 50-50 रुपए लग में डिग जाते हैं, उनके लिए चेतावनी बहुत अच्छे तरीके से दी थी उस भाई ने। इसलिए उस भाई को कैसे भूल सकते हैं कि इन जैसे भ्रष्ट लोगों ने ही इस मासूम जनता के खून पसीने की कमाई को नोच नोच कर अपने जो ईमान है खत्म कर दिया है, अपना व्यक्तित्व का ईमान जो भी है। मैं सभी प्यारे मित्रों से कहना चाहता हूं जिस दिन इन जैसों के घर में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन खुशहाली आई थी और आज के दिन देख लो साथियों क्या हो रहा है। इसलिए आप जैसे भाइयों और बहनों के घर में भी ऐसे दिन न आए, मैं इसलिए थोड़ा सचेत करना चाहता हूं कि भ्रष्ट पुलिस वाले से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इनकी खून पसीने की कमाई से आपके परिवार में आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। वो कहते नहीं चोरी का धन मोरी में को चला जाता है, ये भी एक किस्म की चोरी है। ठीक है साथियों ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं ले जाना चाहता, आगे से भी आपका प्यारा भाई गोलू जैसी भी इसी तरह की वीडियो बनाता रहेगा। जय हिंद।